फिल्म मिशन मंगल की टीम दिल्ली प्रमोशन के लिए गई हुई थी, जहां से वापस मुंबई पहुंची और वापसी के दौरान कालीना प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्टारकास्ट अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी और फिल्म राइटर आर बाल्की को किया गया स्पॉट। एक्ट्रेस शमिता शेट्टी का सिंगल पंजाबी म्यूजिक एल्बम ऑन एयर हो चुका है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। इस एल्बम का नाम है तेरी माँ। आपको बता दें कि इसको लेकर शमिता शेट्टी काफ़ी एक्साइटेड लगी और इतना ही नहीं, शमिता शेट्टी ने इस बारे में मीडिया से बातें भी की। वेल ऑनेस्टली जो भी हम लोग काम करते हैं, उम्मीद तो यही है कि सक्सेसफुल हो। एंड मेरी ये पहली म्यूज़िक वीडियो है एंड पहली पंजाबी म्यूज़िक वीडियो है, तो आई वॉज़ रियली होपिंग कि अच्छा करे। एंड एक्चुअली जो बाकी के जो टीम है, जो राइटर सिंगर्स जो भी है, दे आर वेरी वेल नोन इन द फील्ड। जैसे बी प्राक है, जानी है, रूप एंड डॉली है, तो टीम बहुत ही अच्छा है। एंड सब लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि गाना अच्छा करेगा, लेकिन फिर भी यू नेवर नो ना। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को पसंद आ रहा है गाना। एंड आई होप कि अभी तो सिर्फ 1.7 मिलियन क्रॉस हुआ है और बहुत नंबर्स आने बाकी है। मुंबई के द क्लब अंधेरी में G5 की न्यू साइकोलॉजिकल थ्रिलर पोषण पा की कास्ट ने अपने फिल्म के बारे में बातें की। सभी ने अपने अपने किरदार के बारे में बताया। आपको बता दें कि ये फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशंस पर की गई है। इस दौरान कास्ट ने सभी ने बताया कि शूटिंग करना कितना डिफिकल्ट था। सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस साझा किया। बाटला हाउस, जो कि अपनी कंट्रोवर्शियल स्टोरी को लेकर काफ़ी तकलीफ से जूझ रही थी, जिसे कि दिल्ली कोर्ट में हरी झंडी दे दी गई है और अब इस फिल्म को कुछ कट्स और कुछ डायलॉग्स को म्यूट कर 15 अगस्त यानी कि आज रिलीज़ किया जाना है। अब इस खास मौके को अपनी ऑडियंस से बात करने के लिए फिल्म के मेकर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और दिल्ली कोर्ट के साथ साथ ऑडियंस का धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि फिल्म के प्रोड्यूसर मधु बोजवानी, डायरेक्टर निखिल एडवानी, प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम इस मौके पर काफ़ी एक्साइटेड नजर आए। अभिनेत्री कृति सैनन को जुहू स्थित सनी सुपर साउंड में किया गया स्पॉट, जो यहाँ पर डबिंग के लिए पहुंची हुई थी। अदाकारा श्रेया पिलगोनकर को जुहू स्थित रेस्टोरेंट चिंचिंग चू में किया गया स्पॉट, जो यहाँ लंच के लिए आई हुई थी। फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित के ऑफिस में पहुंचे हुए थे अभिनेता सुपरस्टार संजय दत्त, जो यहां पर मीटिंग के लिए आए हुए थे। यहां से निकलते हुए संजय दत्त को किया गया स्पॉट। वारदा नाड्यावाला, साजिद नाड्यावाला, कृति सैनन, ट्विंकल खन्ना अपने बच्चों के साथ फिल्म मिशन मंगल की स्पेशल स्क्रीनिंग पर आई नज़र। फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं कि फिल्म दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी। अर्जुन कपूर इस समय पानीपत की डबिंग में है काफ़ी व्यस्त, तभी तो वो पहुंचे जुहू से डबिंग स्टूडियो सनी सुपर साउंड में, जहाँ उन्हें किया गया स्पॉट। सनी लियोन अपने बच्चों के साथ उनके प्ले स्कूल में की गई स्पॉट, जहां वो बच्चों को अपनी कार से पिकअप करने के लिए पहुंची हुई थी। करीब एक साल पहले आई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स की सक्सेस से सभी वाकिफ हैं। सेक्रेट गेम्स ने इंडिया में फीचर फिल्मों में कहीं अलग ही डिजिटल फिल्मों को एक नई दिशा दे दी है। इस वेब सीरीज का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और सेक्रेट गेम्स सेशन 2 भी सबके सामने आ रहा है। मुंबई में सेक्रेट गेम्स की एक ग्रैंड स्क्रीनिंग रखी गई, जहाँ सेक्रेट गेम्स की पूरी कास्ट के साथ फैमिली और फ्रेंड्स नजर आए।